हेलो फ्रेंड्स, आज के इस बदलते युग में कंप्यूटर हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग बन गया है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि कंप्यूटर हमारे लिए लाइफलाइन है तो शायद गलत नहीं होगा। आज शायद ही कोई ऐसा इंडस्ट्री होगा या ऐसी कोई फील्ड होगी जहां पे कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा। सो टू बी इन द रेस वी शुड ऑल्सो बी वेल कन्वर्जेंट विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। बट वेन इट कम्स टू द टाइपिंग स्पीड, हम में से काफी सारे लोगों के लिए जब स्पीड में टाइपिंग करना होता है ना, तब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फिर हम सोचने लगते हैं कि काश मुझे भी ऐसे ही स्पीड से टाइपिंग करना होता, मेरी भी टाइपिंग की स्पीड इतनी अच्छी होती। टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होने के कारण हम लोग कई बार बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं, हमारी प्रमोशन रुक जाती है, या कई बार तो ऐसा होता है कि हमें जॉब में ही नहीं लिया जाता है, कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। मेरा आज का यह वीडियो डेडिकेटेड है उस टिप्स एंड टेक्निक्स को जिसकी मदद से हम लोग अपने टाइपिंग की स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बिफोर वी मूव फर्दर, मेरी उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो आज पहली बार मेरे चैनल में आया है, मेरे चैनल को लाइक कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दे, सो दैट कि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, लेट्स मूव ऑन। सो वेलकम अगेन फ्रेंड्स, बिफोर वी टॉक अबाउट द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ऑन हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड एज वेल एज द एक्यूरेसी इन टाइपिंग, जो कीबोर्ड है उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जो कीबोर्ड आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, मॉडर्न डेज में जो कीबोर्ड यूज हो रहे हैं, इसको बोलते हैं क्वाटी कीबोर्ड। क्वाटी कीबोर्ड का मतलब यही हुआ कि अगर आप लोग देखेंगे तो टॉप रो में जो 6 लेटर्स होते हैं वो है QWERTY, ये है क्वाटी। बहुत पुराने जमाने में जिस टाइम में टाइपराइटर में काम हुआ करता था, तो टाइपराइटर के जो कीज है फ्रेंड्स वो सारे एक ही सीक्वेंस में होते थे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते थे, राइट। बट उस टाइम में लोगों का टाइपिंग करने का जो स्पीड है वो इतना ज्यादा था कि ये जो इसका आम मैकेनिज्म है कीज के, वो सब एक दूसरे के साथ में फंस जाते थे, टाइपिंग नहीं हो पाता था, राइट। टाइपिंग की जो स्पीड है उसको कम करने के लिए जो लेटर्स है उनको रैंडमली प्लेस किया गया, वो स्टैंडर्ड बन गया है। तो सेम कीबोर्ड हम आज के डेट में यूज कर रहे हैं, ये है क्वाटी कीबोर्ड का एक स्टोरी। और ये स्टोरी नहीं है, इसके ऊपर एक टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑलरेडी आर्टिकल भी है। तो बेसिकली हमारे जो कीबोर्ड है फ्रेंड्स, इसमें 3 रोज है। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द लेटर्स। ट्रीट द कीबोर्ड एज योर गैजेट, उसका मतलब ये है जैसे आपके पास में मोबाइल फोन है, उस फोन के बारे में हर एक डिटेल्स के बारे में जानकारी है, जैसे उसके सेटिंग्स में क्या क्या है, एडिशनल सेटिंग्स में क्या है, राइट। आपके बैंकिंग के एप्स कौन से वाले पेज में है, फिटनेस से रिलेटेड एप्स कौन से वाले में है, फोटोग्राफ्स आपने कहाँ रखा हुआ, वीडियोज आपने कहाँ रखा हुआ, एंड ऑल। कि आपने फोन के साथ में इतना अच्छा कनेक्ट किया है कि वो फोन का सारा जो पिक्चर है वो आपके माइंड में ऑलरेडी बन गया है। तो सेम चीज यहाँ पर भी, ये जो लेटर्स है 26, इन सारे लेटर्स के पिक्चर आपको अपने माइंड में बना लेनी है। उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे वजह यह है कि अल्टीमेटली आपके जो फिंगर्स टाइप करते हैं, फिंगर्स का जो इंस्ट्रक्शन आता है वो कहां से आता है, माइंड से आता है। तो इस वजह से आप इतना अच्छा कनेक्ट हो जाए अपने कीबोर्ड के साथ में कि बगैर देखे आप एक कागज के ऊपर सारे लेटर्स को लिख सके, बना सके कि कौन सा लेटर कहां पर है। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने टिप की तरफ। सबसे पहला टिप, सिटिंग पोस्चर। आपका जो सिटिंग पोस्चर है, चेयर के ऊपर बहुत ही फर्मली बैठ जाइए। आपकी जो आर्म है वो 90 डिग्री के एंगल पे बेंड होना चाहिए, एंड देयर हैज टू बी अ डिस्टेंस ऑफ मिनिमम 50 सेंटीमीटर बिटवीन योर आईज एंड द स्क्रीन। आपका जो नीज है वो 90 डिग्री के एंगल पे बेंड होना चाहिए। आपका जो लेग है वो नीचे जमीन पे बहुत ही फर्मली रखा हुआ हो, ना तो बहुत ज्यादा आगे झुके ना बहुत ही ज्यादा पीछे की तरफ टिल्ट करे, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठे, क्योंकि आपने उस चेयर के ऊपर कम से कम 6 से 7 घंटा तो बैठना ही बैठना है। फिर जब आपका पोस्चर सही नहीं होगा तो एक तो ये है कि प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा, आपके हेल्थ में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट हो सकता है जैसे कि ये। और दूसरा चीज, कभी भी आप लोग कीबोर्ड को देख के टाइप ना करें। कीबोर्ड को देख कर टाइप करने से जो स्पीड है वो स्पीड बहुत ही कम हो जाती है, राइट। दूसरा टिप, अगर आप अपने कीबोर्ड को ध्यान से देखेंगे तो होम रो में जो 2 की है, एक है F और एक J, उसके ऊपर एक छोटा सा बम्प सा बना हुआ होता है।
ये बम्प इसलिए है, इसको बोला जाता है होम रो फिंगर पोजिशन गाइड, और सेम गाइड आपका जो नंबर पैड्स है जिसको नम पैड बोलते हैं उसके लेटर नंबर 5 में भी होता है। लेफ्ट साइड का जो इंडेक्स फिंगर है वो एफ लेटर के ऊपर होना चाहिए और राइट साइड का जो इंडेक्स फिंगर है वो जे बटन के ऊपर होना चाहिए, राइट। उसके बाद आप कहीं पर भी टाइप करें, चाहे टॉप रो में करें चाहे बॉटम रो में करें, वापस आप आना है उसी होम रो में आना है, राइट। की का लोकेशन इंक्लूडिंग फिंगर पोजिशन भी समझाया। द थर्ड टिप इज परफेक्ट प्रैक्टिस। जैसे बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसमें थोड़ा सा और रिफाइनमेंट है। प्रैक्टिस भी बिल्कुल प्रॉपरली किया गया हो तब वो परफेक्शनिस्ट भी बनता है, साथ में उसके ऊपर मास्टरी भी कर सकती है। तो ये कुछ लेटर्स है लेफ्ट हैंड प्रैक्टिस के लिए। जो आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना है वो एक साइड में है, और राइट हैंड से जो प्रैक्टिस करना है वो दूसरे साइड में है। अपने फिंगर की जो पोजीशन है उसको बनाने के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। ओके, प्रैक्टिस के सिलसिले में दूसरा चीज इसको देख लीजिए। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर लेजी डॉग, ये वो सेंटेंस है जिसके अंदर लेटर्स है, एक अल्फाबेट के अंदर जितने भी लेटर्स है 26 लेटर्स वो सारे के सारे इसके अंदर है, राइट। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाता है पैनग्राम। टॉप रो के 17 लेटर्स है, होम रो के 8 लेटर्स है और बॉटम रो से 7 लेटर्स है। तो ऐसे ही फिंगर का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो भी दिखाया हुआ मैंने, ऐसे ही एक दूसरा पैनग्राम। बैक इन जोन वी डिलीवर्ड ऑक्सीजन इक्विपमेंट ऑफ सेम साइज, ये आज तक का सबसे शॉर्टेस्ट पैनग्राम बोला जाता है इसको। पैक माई बैग विद 5 dozen लीगल ऑक्स। ओके, सम ऑफ द वर्ड्स दैट यू नीड टू प्रैक्टिस फ्रॉम द टॉप रो ऑफ कीबोर्ड, ये कुछ वर्ड्स है, ये कुछ वर्ड्स है जो आपके सिर्फ होम रो में है। एंड सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम रो ऑफ इंटरेस्टिंग वर्ड्स एंड फैक्ट्स। अनकॉपीराइटेबल एक ऐसा वर्ड है जिसमें जितने भी लेटर्स है एक बार भी रिपीट नहीं हुआ है। बुक कीपर में ओ के और ई दो दो बार रिपीट हुआ है। डांसर, इस वर्ड में हर रो में से दो दो लेटर्स है। स्टेवर्डेसेस, ये लेफ्ट हैंड से टाइप होने वाला सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है। एंड द अल्टीमेट वन, द अमेजिंग सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इसमें टोटल 20 वर्ड्स है कि जो पहला वर्ड है उसमें एक लेटर है, दूसरा वर्ड है उसमें दो लेटर्स है, 20th वर्ड में 20 लेटर्स है। तो जब आप इसको टाइप कर लेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होने के काफी अच्छे चांसेस है। एंड द फोर्थ टिप, टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग करते हुए कभी भी कीबोर्ड की तरफ ना देखें, अपने फिंगर्स को उसी पोजीशन में एडजस्ट करते रहिए जब तक वो सही पोजीशन पे ना आ जाए, और जब सही पोजीशन पे आ जाए तो धीरे धीरे फिर आप अपना स्पीड बिल्डअप करते रहिए। टाइप करने के टाइम में जो कीज है उनको बहुत जोर जोर से प्रेस ना करें, उससे एनर्जी वेस्ट होती है, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 5, हमेशा रियल टाइम प्रैक्टिस करें। रियल टाइम प्रैक्टिस का मतलब है ईमेल का रिप्लाई कर दिया, ऑनलाइन चैटिंग किया, या बहुत सारे कम्युनिकेशन आपने टाइप कर लिए, वो सारा का सारा आपका रियल टाइम प्रैक्टिस है। और दूसरी बात, जिस टाइम में हम लोग टाइप करते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम बहुत जल्दी से टाइप कर लेते हैं और कुछ वर्ड्स में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है, तो हमेशा मेरी एडवाइस यही है कि आप हमेशा एक रिदम में प्रैक्टिस करें, एक ही टाइमिंग में हमेशा आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपका माइंड और फिंगर्स दोनों एक दूसरे के साथ में अलाइंड रहे। अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल इज ओनली द प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, जो लेसन्स मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करते रहे, आपकी एक्यूरेसी और स्पीड में जरूर इम्प्रूवमेंट आएगा। थैंक यू सो वेरी मच। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी कोई ऐसे दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।